एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आटे की बिल्कुल खस्ता सोया कचौड़ी बनाना सिखाऊंगी गाइस, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। इसे आप काफ़ी इजीली घर पे बना सकते हैं। आटे की ये सोया कचौड़ी गर्मा गर्म घर पे बनाकर कभी भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं, चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी या बिल्कुल टेस्टी सी रेसिपी का राज। तो बिल्कुल मार्केट जैसी खस्ता कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सोया ले लिया है, सोया का चूरा जो कि काफ़ी इजी मार्केट में अवेलेबल है। इसे मैंने पानी में सोख कर दिया था, जो कि 5 से 10 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रखना है, काफ़ी ईजिली ये फूल जाता है। अब मैंने इसका जो पानी है वो निचोड़ कर अलग कर लिया है, अभी बिल्कुल ड्राई हो चुका है गाइस। इसी के साथ मैंने 250 ग्राम आटा ले लिया है, इसे हमें आटे से बनाना है। यहाँ पर मैंने मैदा यूज़ नहीं किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का गाजर ले लिया है, जिसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। 2 से 3 ले लिए हरी मिर्च, उसे भी बारीक कट लिया है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च ले लिए हैं, जिसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बना लेना। तो फटाफट हमें आटा लगा लेना है। आटे में मैंने स्वाद के अनुसार नमक को डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, जिससे हमारी जो कचौड़ी है वो काफ़ी खस्ता बनेगी। तो बिल्कुल हाथों की हेल्प से आपको इसे पहले मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, हमें इसे गर्म पानी के साथ में गूंदना है, ताकि हमारी जो कचौड़ी है वो काफ़ी खस्ता और काफ़ी सॉफ्ट भी बने। तो मैंने यहाँ पे मीडियम हॉट वाटर का इस्तेमाल किया है, एक्सट्रीमली हॉट वाटर आपको यहाँ पे नहीं यूज़ करना है गाइस। तो हमें अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। आटा जो है इसे हमें ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो आटा जो है 15 मिनट के बाद बिल्कुल सेट हो चुका है, हमें इसे फिर से गूंदना है गाइस। तब मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लूँगी और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। इसे मिक्स करके हमें इसे अच्छे तरीके से फिर से गूंद लेना है। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा जो आटा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, हमने इसका जो डो है वो तैयार कर लिया है। चलिए साइड रख लेते हैं इसे और अपने स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन रख दिया है मैंने गैस में, उसमें डाल दिया है 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल हमें ज़्यादा नहीं डालना है। ऑयल को गर्म हो जाने के बाद में मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, कैप्सिकम और गाजर। सात चीज़ों को डालने के बाद में हमें इसे बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम में हल्का सा बिल्कुल सॉटे कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ अदरक डाल दूँगी। तो अदरक को मैंने इसमें ऐड कर दिया है गाइस, अदरक से स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी देर के बाद में हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए इसमें मसाले को डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, जो कि लगभग 1 टेबल स्पून है। इसी के साथ अब मैं इसमें थोड़े सूखे मसालों को ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून ही आमचूर पाउडर, जिससे कचौरी का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हमें इसे पका लेना है। तो मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। सूखे मसाले जो हैं वो बहुत ही जल्दी जल जाते हैं गाइस, इसलिए आपको जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे रखना है। तो मसाले जो हैं वो बिल्कुल सब्जियों के साथ में पक चुके हैं। मैंने इसमें सोया का जो चूरा है वो ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया है गाइस। नमक को डालने के बाद में मैं इसमें गर्म मसाला डाल दूँगी। गर्म मसाला मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद में हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। 2 से 4 मिनट तक यूँ ही मिक्स करते हुए पका लेना है। तो आप देख सकते हैं गर्मा गर्म हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुकी है। इसे हमें ठंडा होने का वेट करना है और फिर कचौरी की स्टफिंग जो है वो फील करनी है। तो ये ठंडा हो चुका है, चलिए शुरू करते हैं कचौरी बना लेना। तो आटा जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, हमें इसे 3 भागों में डिवाइड कर लेना है। तो मैंने इसे इक्वली डिवाइड कर लिया है। उसके बाद हाथों की हेल्प से हमें इसे रोल कर लेना है और इसके एक एक बॉल्स कट कर लेने हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो कचौरियाँ हैं उनका साइज़ बिल्कुल इक्वली है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ सारे जो बॉल्स हैं मैंने यहाँ पे तोड़ लिए हैं। इससे आपको कचौरी बनाने में काफ़ी आसानी होती है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमें इसे राउंड शेप दे देना है। तो आप देख सकते हैं कहीं से भी बॉल जो है वो क्रैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो आटा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से गूंधा गया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बना लेना कचौरी की जो स्टफिंग है वो भरते हैं कचौरी में। तो हमें इस तरीके से इसे बेल लेना है गाइस। बेलने के बाद में हमें इसे सेंटर में अपनी जो स्टफिंग है वो रख लेनी है। आप चाहें तो हाथों की हेल्प से भी इसे बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे इसे बेल लिया है। तो सेंटर में अपनी स्टफिंग को मैंने इसमें रख दिया है।
जिस तरीके से हम नॉर्मली कचौरी बनाते हैं उसी तरीके से इसे भी बना लेना है। तो काफ़ी ईजिली आपको इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है। आपको ध्यान ये रखना है कि कहीं से भी ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऑयल में निकल आता है और एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो बिल्कुल इसके अंदर आ जाता है, जिससे कचौरी का जो स्वाद है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो हाथों की हेल्प से आपको बिल्कुल हल्का सा इसे प्रेस कर लेना है। तो मैंने इसे प्रेस कर लिया है, बिल्कुल इस तरीके से कचौरी जो है आपको तैयार करनी है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ सारी कचौड़ियों को मैंने तैयार कर लिया है गाइस। तो कचौरी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है फ्राई होने के लिए। तो मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल जो है उसे गर्म कर लिया है। इसे आपको बिल्कुल हल्का ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ऑयल, नहीं तो जो कचौरियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं तैयार होंगी और बहुत ही जल्दी बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसलिए ऑयल जो है वो बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए। कचौरी को बनाने में हमें 15 से 16 मिनट लग जाते हैं क्योंकि हमें इसे बिल्कुल लो फ्लेम में बनाना होता है। तो 15 से 16 मिनट होते होते हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खस्ता हो चुकी हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक भी चुकी हैं। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं किचन टावल में। बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ मैं सारी कचौरियों को फ्राई कर लूँगी गाइस। तो मैंने यहाँ पे इसे सर्व कर लिया है, बिल्कुल गर्मा गर्म हमारी आटे की खस्ता सोया कचौरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जब भी आपका मन करे इस तरीके से सोया कचौरियों को बना कर तैयार कर लें, वो भी आटे के साथ में। आपको मैदे के साथ में इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आटा जो है वो काफ़ी हेल्दी होता है गाइस। तो आपको अब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट से जाएँ और इस तरीके से आटे की सोया कचौरी ज़रूर बनाएँ अपने घर पर और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने यहाँ पे मिर्चियों को फ्राई कर लिया है जो कि कचौरियों के साथ में बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे एक टमाटो केचप या तो फिर आलू चना की सब्ज़ी के साथ में भी खा सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है इसे बनाने का। तो सोया कचौरी वो भी आटे के साथ में घर पे ज़रूर बनाएं। तो अब बारी आ गई है इसे तोड़कर दिखाने की। तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्टफिंग है वो काफ़ी अच्छे से भरी हुई है इसमें और बहुत ही लाजवाब लगती है कचौड़ी। सोया कचौड़ी अपने घर पे ज़रूर बनाएं, वो भी आटे के साथ में गाइस। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर एंजॉय करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी ईजिली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी और बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन बाय बाय गाइज़।